बात होती थी, बगझग होती थी। दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं और आप सबको इंतजार भी करना पड़ेगा कि कब अब चुनाव होगा मेयर का और कब तारीखें मिलेंगी। लेकिन सुनील जी, अब आपके पास आती हूँ कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ स्क्रिप्टेड हो, ये जो पूरा ड्रामा है ये स्क्रिप्ट किया गया हो, और उसके पीछे के अंदेशा क्या लगता है, आपका क्या मानना है, क्या ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, कुछ आपसी कोई एक समझौते के तहत इस तरीके का ड्रामा हुआ है कि भाई पूरा एक ध्यान कहीं और भटका दिया जाए, क्या लगता है आपको सर जी? धन्यवाद नीलो जी। आखिर ध्यान भटकाने से किसी को क्या हासिल होना है? लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ मिलना मिलाना है ना भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता हासिल करती है ये कोई नई बात तो है नहीं। तोड़फोड़ करना, सदस्यों का इस्तीफा दिलवा देना, अपने में शामिल कर लेना, ताकत के बल पर लोगों को रोक लेना, चुनाव के पहले इस्तीफा दिलवा देना, जितने भी हथकंडे हो सकते हैं सत्ता हासिल करने के, सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई किसी ऐसा तो है नहीं किसी किसी भी अपनी रणनीति और कार्यनीति में किसी नैतिकता के नाम पर उसने कभी कोई परहेज किया हो। स्वाभाविक गणित तो यही कहती है जो मनोज जी ने जो बात कही कि बहुत व्यापक जन समर्थन है, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य उनके होने चाहिए। कहीं से भी कोई माने अगर आप गणित करेंगे तो उसमें नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कोई ना कोई स्थिति ऐसी बन रही है जिसकी वजह से हालात पैदा हुए। अगर नॉमिनेटेड सदस्यों के शपथ ग्रहण पर तो कोई हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर सब हम मेरी भी जानकारी में ये कि नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं उनके पास मताधिकार नहीं होते किसी भी नगर निगम में। लेकिन अगर मतलब उनके शपथ ग्रहण पर ही हंगामा, कैसा कोई मतलब ही नहीं है, क्यों करेंगे आप? और किसी को भी, जो आप मनोज जी ने कही बात, किसी को भी बनाया जा सकता है प्रोटेम स्पीकर, उसको अध्यक्षता के लिए कहा जा सकता है, इसका भी कोई मान्य नियम नहीं है। ये तो मनोनीत करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसके उसको ले करके उसके अगर वो कोई आपत्ति आपको हो तो आप कह सकते हैं कि मैं इन इन चीजों पर मेरी आपत्ति हो सकती है, लेकिन केवल इसलिए कि सदस्य वरिष्ठतम नहीं है इसलिए नहीं बनाया जा सकता, ये तो कोई लॉजिकल है नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, यह अगर हम जो कुछ भी हुआ बहुत निश्चित रूप से बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि आम आदमी पार्टी को आशंका रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनके सदस्यों में तोड़फोड़ करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सभाओं में आप देखिए ना कि मेयर के उम्मीदवार की घोषणा का ही कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास सदस्य नहीं है तो आप अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रहे हैं? गोया कि आप ऐसी किसी न किसी रणनीति में, कार्य योजना में लगे हुए हैं कि हम अपने सदस्य जुटा लेंगे और अपना मेयर जिता लेंगे, या कोई तरीका अपनाएंगे जिससे कि अपने मेयर को आप जुटा लें। क्यों अगर सामान्य गणित के हिसाब से आप समझेंगे तो आपको अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करना चाहिए कि ठीक है आप जीत करके आ गए, अपना आपका बहुमत है, प्रचंड बहुमत है आपके पास, अपना मेयर बनाइए, काम कीजिए। लेकिन यह तरीका भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी ही नहीं दिल्ली सरकार के साथ भी नहीं अपनाया। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का भूमिका देख लीजिए तब दिल्ली सरकार के साथ, और वही भूमिका है एमसीडी के साथ कि अगर हम नहीं है तो कोई नहीं है। तो यह तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह तो राजनीतिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की प्रवृत्ति है जो सर्वथा निंदनीय है।